हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं, जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको पिरामिड के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 400 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इन पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से ज्यादा में ज्यादा 20,000 किलो तक का वजन ही उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी है और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे एक पत्थर से बनाई गई मूर्ति है, जिसे भी 4000 साल पहले बनाया गया था।